ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2018 में जो नाम बदले गए हैं, जैसे कुछ राज्यों के नाम बदले गए हैं, शहरों के नाम बदले गए हैं, या एयरपोर्टों के नाम बदले गए हैं, ठीक है, या सड़कों के नाम बदले गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हम लोगों का हजरतगंज चौराहा। हजरतगंज चौराहा इसका नाम कर दिया गया है अटल चौक। हजरतगंज चौराहा इसका नाम अटल चौक कर दिया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला है फैजाबाद। योगी जी ने अभी हाल में ही घोषणा की थी उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, ठीक है, फैजाबाद का नाम हो गया अयोध्या। अगला है अपना इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद का नाम आप सबको पता होगा प्रयागराज हो गया है, ठीक है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। अगला है एकाना स्टेडियम। एकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में है आपको पता होगा, और इसका नाम कर दिया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। चलिए अगला देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसका नाम कर दिया गया है अटल पथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम कर दिया गया है अटल पथ। अगला है नया रायपुर। नया रायपुर, ठीक है, रायपुर, रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की, तो इसका नाम कर दिया गया है अटल नगर। नया रायपुर का नाम कर दिया गया है अटल नगर, ठीक है। आगे देखते हैं मुगल सराय स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है, मुगल सराय हो गया। अगला है अपना गोरखपुर एयरपोर्ट। गोरखपुर एयरपोर्ट की बात करें तो इसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन था, ये एयरपोर्ट है, और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट है, आगरा एयरपोर्ट, इसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है। आगरा एयरपोर्ट का नाम भी दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कि आपको पता हो गुजरात में है, कांडला बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल बंदरगाह। अगला है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि इस समय प्रस्तावित है, अभी नाम नहीं बदला गया है इसका, प्रस्तावित है, तो इसका नाम प्रस्तावित क्या है अहमदाबाद का नाम, कर्णावती, कर्णावती हो सकता है इसका नाम। अगला है औरंगजेब रोड। औरंगजेब रोड जो कि दिल्ली में है, औरंगजेब रोड जो कि दिल्ली में है, इसका नाम APJ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया, कलाम रोड, ठीक है, औरंगजेब रोड का नाम हो गया है कलाम रोड। आगे देखते हैं मेवात हरियाणा। मेवात हरियाणा का शहर है जो कि इसका नाम कर दिया गया है नूह। मेवात का नाम कर दिया गया है नूह, ठीक है। अगला है हमारा बाल्टेयर। बाल्टेयर, बाल्टेयर का नाम कर दिया गया विशाखापत्तनम, जो कि अभी नहीं किया, काफ़ी पहले की बात है। बाल्टेयर, बाल्टेयर को नाम विशाखापत्तनम कर दिया गया था, ठीक है, मतलब अभी का नहीं है, काफ़ी पहले का, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मतलब इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है। अगला है शिमला, जो कि ये भी प्रस्तावित है, अभी नाम नहीं बदला शिमला का, लेकिन प्रस्तावित क्या है श्यामला, इसका नाम श्यामला हो सकता है, श्यामला। आगे देखते हैं साबरमती घाट। साबरमती घाट का नाम अटल घाट रख दिया गया है। साबरमती घाट का नाम अटल घाट रख दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं जाली ग्रांट एयरपोर्ट। जाली ग्रांट एयरपोर्ट ये देहरादून में है। जाली ग्रांट एयरपोर्ट इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट रख दिया गया है, ठीक है। जाली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट रख दिया गया है। अगला है हमारा गुड़गांव। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख गया है। गुड़गांव का नाम कर दिया गया है गुरुग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है, छत्रपति शिवाजी केवल महाराज इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज जोड़ दिया गया है, और एयरपोर्ट वही है, ठीक है। तो ये हमारे 18 से 20 के बीच लगभग नाम बदले हैं, जितने भी हैं 20 के लगभग हैं समथिंग। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी है, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।